Cause it's too तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को पहले कैपकट जो एप्लीकेशन है इसको पहले इंस्टॉल कर लेना है। तो इस वाले एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप लोग ये प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, यानी पर मतलब जिस वीडियो को आप लोगों को एडिट करना है उस वीडियो को हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड कर देने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा आप लोगों को। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, सिंपली लास्ट पर जाना है और ये वाला जो एंड पार्ट था इसको हमें रिमूव कर लेना है। देन गाइस अभी हमें क्या करना है गाइस, अभी हमें सिंपली लेयर वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है और अभी हमें क्या करना है यहाँ पर हमें एडजस्ट पर हमें टैप कर देना है, ओके। तो एडजस्ट पर टैप कर देने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करते जाना है, देन यहाँ पर ग्राफ पर हमें टैप कर देना है और ये पहले हमें क्या करना है, व्हाइट वाला जो कलर है इसको हमें लाइन को हमें ऊपर की तरफ से ले आना है और सिंपली चार जो कलर है इस तरह से हमें आप लोग भी कुछ तरह से कर लेना, ओके। तो मैं ये पर जल्दी कलर कर लेता हूँ, आप लोग धीरे धीरे कर लेना, ठीक है। तो इतना काम कर देने के बाद अभी हमें क्या करना है गाइस, अभी हमें जाना है यहाँ पर इफेक्ट पर। तो इफेक्ट पर टैप कर देने के बाद यहाँ पर वीडियो इफेक्ट पर आप लोगों को टैप कर देना है। तो वीडियो इफेक्ट पर टैप कर देने के बाद यहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट भी मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर बेसिक पर टैप कर देना है, देन एक बार ऊपर देख सकते हो यहाँ पर ब्लर पर हमें टैप कर देना है। तो ब्लर वाला ऑप्शन पर टैप कर देने के बाद राइट वाला आइकन, देन यहाँ पर आप लोगों को ये वाला ब्लर इफेक्ट को पूरे लेयर पर हमें सेट कर देना है कुछ इस तरह से, आप लोग भी यहाँ पर कर लेना, ठीक है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस ये पर जो हमारा जो एडिटिंग है इसको हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ऊपर वाला ये वाला जो आइकन है, ये वाला आइकन पर टैप कर देने के बाद जो वीडियो था हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आप लोग भी कुछ तरह से एक्सपोर्ट कर लेना अपने वीडियो को, ठीक है। देन अभी हमारा जो काम अभी भी थोड़ा बाकी है, तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को फुल तक देखो, ठीक है। तो अभी हमारा मेन काम ही बाकी है, तो आप लोग जरूर फुल तक देखो। तो इतना काम कर देने के बाद ऊपर डन पर आप लोगों को टैप कर देना है। तो आप लोगों को फिर से जाना है न्यू प्रोजेक्ट पर और पहले जो वीडियो में इंपोर्ट किया था उस वाले वीडियो को, मतलब उस वाले वीडियो को आप लोगों को फिर से ऐड कर देना है। तो गाइस ऐड कर देने के बाद अभी हमें क्या करना है गाइस, तो अभी आप लोगों को यह पर जो लास्ट पर जो एंड टेम्पलेट था उसको हमें डिलीट कर लेना है। देन अभी हमें ओवरले पर टैप कर देना है, ओके। तो ओवरले पर टैप कर देने के बाद ऐड ओवरले पर टैप कर देना है और अभी जो हमारा जो नेगेटिव जो अभी मैं एक्सपोर्ट किया था उसको हमें ऐड कर लेना है और कुछ तरह से बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो यह पर स्क्रीन साइज की तरह से, मतलब जो मैं साइज जो था उस तरह से हमें बड़ा लेना है। तो अभी हमें यह पर स्पाइस पर टैप कर देना है और यह पर बहुत सारा इफेक्ट भी मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर बर्न पर हमें टैप कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला जो बर्न ऑप्शन है यह पर टैप कर देना है और यहाँ पर ऑपेसिटी को यहाँ पर 25 से 30 पर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 रख देता हूँ। देन अभी हमें डन कर लेना है। तो डन कर देने के बाद अभी हमें क्या करना है, बैक पर आ जाना है और यहाँ पर ऐड ओवरले पर फिर से जाना है। देन यहाँ पर हमें एक फोटोज़ पर जाना है, ठीक है। तो पहले तो हमें स्टॉक फोटोज़ पर जाना है और स्टॉक फोटो पर जाने के बाद एक वाइट वाला जो बैकग्राउंड है इसे हमें ऐड कर लेना है। तो ये वाला जो व्हाइट वाला बैकग्राउंड इसे हमें ऐड कर देने के बाद इसे हमें फुल यह पार्ट सेट कर देना है। तो इतना काम कर देने के बाद अभी हमें इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, ठीक है। तो यह पर जूम कर लेना है। तो जूम कर देने के बाद अभी हमें क्या करना है गाइस, अभी हमें जाना है यह पर क्या करना है, यह पर बैक पर आ जाना है पहले। तो फिर से हमें टैप कर देना है यह पर, देन यह पर स्पाइस पर हमें टैप कर देना है। तो स्पाइस पर टैप कर देने के बाद अभी हमें ओवरले पर टैप कर देना है और यहाँ पर ओपेसिटी को यहाँ पर कुछ तरह से यहाँ पर मैं रख देता हूँ 69 पर रख देता हूँ, ओके। देन यहाँ पर डन पर हमें टैप कर देना है। तो अभी हमारा देख सकते हो गाइस पिक्चर कितना ऑसम से लग रहा है, मतलब यहाँ पर जो वीडियो था पहले की से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ तरह से कर लेना अपने वीडियो को। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस ऊपर सेव कर लेना है, ठीक है। ऊपर जो आइकन है वो पर टैप कर आप लोगों को वीडियो को सेव कर लेना है।